स्वामी निधि नामिने विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे और वाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय
करते मनंदे हरि हरि बोल जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा एंड प्रणाम डियर डिवोटीज। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, भक्ति वृक्षा सेशन में। सो वी विल स्टार्ट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्न फ्रॉम द वेदास थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर। सो पहले आजेगी ना आज अरे सारे काम आजेगी हरे कृष्णा। ओके सो आई थिंक समबडी वाज अनम्यूटेड। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है लर्न फ्रॉम द वेदास थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर, कि जो हमारे वेद हैं और जो शास्त्र हैं उनसे हम सीखें, बट और जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके थ्रू सीखें। तो ये हमारा आज का चर्चा रहेगा। और उससे पहले वी विल डू वन राउंड ऑफ जपा चैंटिंग सेशन हम करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि जैसे कि अगर हमारे पास जिस हमारा जो टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्यू एंड ए इस बार कर पाते हैं या फिर वो अगले सेशन में करेंगे। So we will start with invoking the prayers through to our acharyas and vaishnavas. Mangalacharan padhenge. Aap piche piche dohra sakte hain apne aap ko mute pe rakhe. Om agyanati mirandhasya gyananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri guruve namaha श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। सो कैसे आप सब लोग? हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी, कंचन माता जी, साथी जवेरी माता जी एंड ऋषिता माता जी, आई होप आप सब ठीक हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके माता जी, कंचन माता जी सिंह बोल रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। So we will start with our today's session, and so पहले हम श्री नाम अमृत से पढ़ेंगे, and so let's begin. So श्री नाम अमृत, the nectar of the holy name. Krishna has now appeared in this holy name through the Hare Krishna movement to annihilate the demon and to protect the devotees. So
कृष्णा जब भी अवतार लेते हैं वो दो पर्पसेस के लिए अवतार लेते हैं. फर्स्ट इज टू एनिहिलेट द डीमंस, जो भी डिमोनिक क्वालिटी के लोग होते हैं उनके उनको एनिहिलेट करने के लिए. एंड सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज. सो जितने भी डिवोटीज होते हैं टू प्रोटेक्ट दोज डिवोटीज कृष्णा अपियर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. सो वसुदेव टू लॉर्ड कृष्णा सेड, ओ माई लॉर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ऑल क्रिएशन, you have now appeared in my house desiring to protect this world. I am sure that you will kill all the armies that are moving all over the world under the leadership of politicians who are dressed as kshatriya rulers but who are actually demons. They must be killed by you for the protection of the innocent people. So vasudev lord krishna ko kehte hain ki aapne jo is dharti pe janam liya hai, सो आप नाउ आई एम श्योर कि जो आप डिवोटीज को प्रोटेक्ट करेंगे और जो डीमंस हैं जो राज्य कर रहे हैं क्षत्रिय की फॉर्म में या क्षत्रिय राजाओं की फॉर्म में, आप उनको उनको किल करेंगे. यू विल किल ऑल द आर्मीज विच आर डीमंस. सो जो भी राजा डिमोनिक क्वालिटी के हैं उनको वो किल करेंगे एंड जो उनके अंडर जो इनोसेंट पीपल हैं, इनोसेंट पब्लिक हैं, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे. सो कृष्णा अपीयर इन दिस वर्ल्ड फॉर टू पर्पसेस. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, दो पर्पसेस के लिए कृष्णा यहाँ पे इस धरती पे जन्म लेते हैं. परित्रा नाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता. फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट रिलीजियस डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. And second is to annihilate all the uneducated, uncultured asuras who unnecessarily bark like dogs and fight among themselves for the political power. So it is said in Kali, Kali Kale Naam Roop Krishna Avatar. The Hare Krishna movement is also an incarnation of Krishna in the form of holy name, Naam Roop. सो हरे कृष्णा जो मूवमेंट है उसमें वो भी कृष्णा का ही एक अवतार है जो कृष्णा नाम के रूप में आते हैं. सो एवरी वन ऑफ अस हु इज एक्चुअली अफ्रेड ऑफ द डिमोनिक रूलर्स एंड पॉलिटिशियंस मस्ट वेलकम दिस इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा. बिकॉज क्योंकि कृष्णा दो पर्पसेस के लिए आते हैं. सो इन दैट केस इफ वी आर अफ्रेड ऑफ द डिमोनिक रूलर्स देन वी शुड मस्ट वेलकम द इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा. दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. देन वी विल श्योरली बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हरासमेंट ऑफ डिमोनिक रूलर्स. एट द प्रेजेंट मोमेंट दीज रूलर्स आर सो पावरफुल दैट बाय हुक और बाय क्रूक दे कैप्चर द हाईएस्ट पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड हरास काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल ऑन द प्ले ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और सम इमरजेंसी. ये तो हम सब देख ही रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है. सो इन दैट केस टू प्रोटेक्ट टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम डिमोनिक क्वालिटीज वी शुड टेक शेल्टर ऑफ नेम. सो नेम विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज डिमोनिक क्वालिटीज. सो देन अगेन वन असुर डिफीट अनदर असुर बट द पब्लिक कंटिन्यू टू सफर. देयरफॉर द एंटायर वर्ल्ड इज अ प्रीकॉरियस कंडीशन एंड द ओनली होप इज दैट हरे कृष्णा मूवमेंट. श्रीमद् भागवतम 10.3.21. देखिए कि सो हाउ मच दिस इज रिलेटेड टू अवर प्रेजेंट सिचुएशन एज वेल. कि यहाँ पे कैसे डिस्क्रिप्शन दी गई है दैट हाउ द गवर्नमेंट लीडर्स दे आर ड्रेस्ड एज क्षत्रिय रूलर्स बट हु आर एक्चुअली डीमंस. सो डीमंस आर दोज हु हैव The definition of demons given by Prabhupada is that those who don't consider Krishna as God, and those who know that Krishna is God and they serve him, they are demigods. This is the definition which Prabhupada gives in Bhagavad Gita, and so we can see that how the leadership of the world right now is so engrossed into their own sense gratification that they have forgotten, वो भूल चुके हैं that what is the real purpose and how to guide the people who are innocent. देखिए जो जनता है and the
the people they are innocent because unke paas koi option nahi hota to choose and they are dragged into a position that they are hopeless. But these leaders they carry some like so-called powers, but they don't use them in the service, or they don't use them even in the service of the nation itself, and they only use it to apne hi selfish desires ko pure karne ke liye. And so that is why also, like as Krishna says in Bhagavad Gita 4.8, that paritranaya sadhuna vinashaya cha duskritam dharma sansthapanarthaya sambhavani yuge yuge. कि वो भगवान आते हैं जो डीमंस हैं उनको किल करने के लिए, और जो साधु हैं उनका एसोसिएशन, उनको एसोसिएशन देने के लिए और उनको हेल्प करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड धर्म संस्थापनार्थाय, टू री एस्टैब्लिश बैक अगेन द धर्म. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू री एस्टैब्लिश बैक अगेन द धर्म. And sambhavani yuge yuge, and in every yug, in every millennium, in every yug, Lord comes as an avatar. And in this yug, in this Kali yug, so what is the avatar? The avatar, as we humne itni baar jo hum sun chuke hain, the avatar is the Hare Krishna Mahamantra. And this Hare Krishna movement, which is given by started by Lord Shri Krishna Chaitanya, who is none other than Krishna himself. He has started this movement and spread all over the world. And this incarnation, this Hare Krishna Mahamantra, this will give us protection. We have to take the shelter of the holy name, and simply we have to chant. And humne pichle session mein bhi jaise padha tha, that it is so easy, the process is so easy and sublime, that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, all our the path will be clear, the path for Krishna consciousness, the path for bhakti, and will be clear, and we will get inspiration in how to proceed. And yahan pe bhi jaise dekhiye likha hai, kali kale naam roope Krishna avatar, that in this Kali Yuga, Krishna has taken the form of the holy name, and unke naam mein aur Bhagwan swayam mein koi antar nahi hai, because Krishna is absolute. Because Krishna is absolute, then there is no difference between the form of Krishna, or there is no difference between the name and Krishna himself, or the form and the paraphernalia and all the activities that he does. It's all the same and absolute and transcendental. So this is what we have to do, that to seek protection. And because the conditions are so worse right now, and this is what we have to do. We have to seek the protection and we have to chant the Hare Krishna Mahamantra. So jab bhi hum Hare Krishna Mahamantra ka jap karte hain, kyunki Bhagwan aur unke naam mein koi antar nahi hai, we are direct in the association of Krishna. So us time Krishna hi hamare saath hote hain. There is no difference between chanting the Hare Naam and Krishna himself. Because Krishna has appeared as a form of this transcendental vibration. This vibration of Hare Krishna Mahamantra is transcendental. It is not from this world. It is from spiritual world, and it is coming directly. And it has been given to us in such a precious gift that we should take it with both our hands. And that is also, we humbly request all of you, we beg all of you, to chant this Hare Krishna Mahamantra and make your life successful. So now what we'll do is we'll chant one round of Hare Krishna Mahamantra like we do in every our class. So we have our cutest devotee also with Kanchan Mataji. Achha. What's his name, Mataji? Divyansh Mataji. Divyansh, oh, Hare Krishna, oh. Divyansh. So Mataji, Divyansh is not... Divyansh is joining the sessions. He attended two sessions. अच्छा लग रहा है उनको? हाँ हाँ. Very nice. Very nice. So we will now chant one round of Hare Krishna Mahamantra.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब लोग अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम सब साथ में चैंटिंग कर सकें। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संदीप जी, अगर आपके पास जपा माला भी नहीं है तो आप हाथ पे भी चैंटिंग कर सकते हैं। तो हमको जो चैंटिंग करनी होती है, we have to do it 108 times, और आपके जो राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास चार उंगलियां हैं, उसमें तीन तीन लाइंस हैं, तो वहां पे आपके पास 12 हो गई। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आप राइट लेफ्ट हैंड साइड की तीन उंगलियां यूज कर सकते हैं, उसमें आपके पास 9 लाइंस हैं। तो अगर आप 12 बार अपने राइट हैंड साइड पे चैंटिंग करेंगे और एक बार अगर आप उसको आगे मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 12 नाइंस आर 108। तो आप इस तरह से चैंटिंग कर सकते हैं हमारे साथ ही।
हरे कृष्णा। सो आप सबकी हो गई है एक राउंड जपा, अगर किसी की नहीं हुई तो अपना हाथ हैंड रेज कर दीजिए। सो वी विल वेट फॉर 2-3 मोर मिनट्स एंड अदरवाइज वी कैन स्टार्ट। संदीप जी आप कर रहे हैं, अभी कर लीजिए। सो वी विल वेट 2-3 मिनट्स।
Hare Krishna Sandeep Prabhuji. Thank you so much. So now we will start with our session. So the जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लर्न फ्रॉम द वेदास थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर. सो ये हमारे भक्ति वृक्ष मॉड्यूल का सेवंथ टॉपिक है. सो वी विल स्टार्ट एंड आई विल रीड. इन द वैदिक डिसिप्लिक सक्सेशन द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑलवेज बेस देयर स्टेटमेंट्स ऑन व्हाट दे हैव हर्ड फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेज, नेवर ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. Trying to understand things by one's own direct experience is the material process of gaining knowledge, technically called pratyaksha. The Vedic method is different. It is called shruti, which means to hear from authoritative sources. That is the secret of Vedic understanding. So, देखिए क्या है. सो देर आर बेसिकली टू वेज बाय विच हम जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको पा सकते हैं. वन इज प्रत्यक्ष, जो हम समझें कि बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि मैं अपने अपने ही बेसिस पे, अपने ही बलबूते पे मैं एक नॉलेज है उसको पाने की कोशिश करूं. कि मार्केट में गए, हमने किताब खरीदे और उसे पढ़ना शुरू कर दिया और अब जो जिस तरीके से मुझे किताब समझ में आई, मैंने जो खरीदी, उसके बाद मैंने जैसे समझा, वो मेरी बुद्धि या फिर मेरे ही जो मेरा सोचने का जरिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. बट जो वैदिक तरीका है दैट इज कॉल्ड श्रुति, कि हम उनसे सुने जो अथॉरिटेटिव हैं और जो ज्ञान है उससे सुने और उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करें. दैट इज द सीक्रेट ऑफ वैदिक अंडरस्टैंडिंग. और आगे बढ़ते हैं. With your imperfect senses, you should not try to understand things that are beyond your experimental powers. That is not possible. Suppose you want to know who your father is. Can you find out by experimenting? Is it possible? No. Then how can you know who your father is? By hearing from the proper authority, your mother. That is common sense. And if you cannot know your material father by the experimental process, how can you know the Supreme Father by the experimental process? Krishna is the original father. He is the father of the father of the father, all the way down to you. So you cannot understand your immediate father, the previous generation, by the experimental process. How can you know God or Krishna in this way? So dekhiye, Prabhupada is giving the example. Kitna achha sa Prabhupada ne analogy di hai, that if a mother has a son and son wants to know ki unke father kaun hai, so one way is the son says, no, I don't believe anybody, and let me prove and let me find out the empirical proof, or let me find out proof by experimenting who my father is. So he goes on asking the whole world, are you my father. So that is not the right way. So the right way is simply to approach the mother. माँ के पास जाना, उनसे पूछना कि मेरे फादर कौन है. हमको तो किसी ने प्रूफ नहीं ना दिया लाइक कि हु इज माय फादर. फ्रॉम मदर ओनली वी हैव कम टू नो हु इज आवर फादर, एंड दैट इज द ट्रुथ आल्सो, एंड वी एक्सेप्ट इट, एंड नोबडी कैन डिनाई ऑफ मदर. एंड सो दैट इज द वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड the supreme father and the spiritual father and the supreme father Krishna. क्योंकि हम अपने बायोलॉजिकल फादर कहीं नहीं पता लगा सकते, दैट एंड वी कैन नॉट इवन नो अवर प्रीवियस जनरेशन बाय सिंपली बाय एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस. इट इज टोटली इम्प्रैक्टिकल एंड इट डजंट मेक एनी सेंस. सो हाउ कैन बी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, हाउ कैन बी इवन थिंक ऑफ फाइंडिंग आउट अवर अबाउट गॉड और कृष्णा इन दैट वे. सो दैट इज व्हाट जो यहाँ पे तर्क है वो ये दिया गया है. And the simplest way is to hear from the authority. And the authority is the Shastra, the Guru Sadhu Shastra. And this is the authority. If we hear them,
because the Shastra is telling us that Krishna is our Supreme Father, and Krishna himself is telling in Bhagavad Gita that I am the seed giving father of all the of everybody, and aham bija pradapata. So he is the seed giving father, sarva yonishu kaunteya, and of all the yonis he is the seed giving father. So this is given in Bhagavad Gita only. So let's move ahead. So people search for God by the experimental process, but after much hearing, after much searching, they fail. They say, oh, there is no God, I am God. But the Ishopanishad says that one should try to learn about God, not by experimental process, but by hearing. And from whom should one hear? From a shopkeeper or from fanatics? No. One should hear from those who are dhir. Dhir means one whose senses are not agitated by material influence. So those are the, these are, so one, we should hear from these sadhus. We should hear from the bona fide spiritual masters or the acharyas who are in this disciplic succession. Or ye bhi hum abhi padhenge ki what is this disciplic succession that we are talking of. So this is whom we have to hear. We have to hear those persons who are dhir. And by experimental process, it is not possible. Because, see, because if we try to do experiment, first is, jo, we are having these senses, and senses are not perfect. We have imperfect senses, and we have these four defects. Imperfect senses, and we are... we can get illusioned, and we have we can commit mistakes, and we have cheating propensities. So these are the four mistakes jo hamare paas that everybody who is born in this material world they has, that they have imperfect senses. Isko hum bahut aasani samajh sakte hain that because most of the people jaise ki hum dekh sakte hain, they cannot hear beyond some range. Human body has a range to hear. It means the senses are not perfect. They cannot hear everything. They cannot see beyond a certain sight. And even we cannot see beyond a wall. If the wall ke piche kya hai, we cannot see. So that that means clearly that we are not having the perfect senses. We don't have. We have imperfect senses. And even agar hum diwar ko na bhi samjhe, agar if you take my example only, so I am wearing these spectacles. Ye ainak lagi hai mere. So agar main ainak utar dun, mujhe screen hi dikhegi. So this is how imperfect senses that we have. And then we tend to fall into illusion. We think that the situation is something else, but it is something else, and we are illusioned. The first illusion is that we are not this body, we are soul, but we think, because we are illusioned, we take ourselves as body. Humko lagta hai ki hum ye sharir hi hain. This is the first illusion. Because of imperfect senses, we get illusion. Jaise ki hamare paas imperfect senses hai, and we cannot see soul, and we cannot see those with our naked eyes. So that's why we think that there is no soul. So there is like body. So that's why we think that we are the body, not the soul. So due to imperfect senses, illusion happen. Yes, and through illusion, we tend to commit mistakes. So imperfect senses, illusion, and then we commit mistakes. So of course, everybody of us commit mistakes. Hum sabse galtiyan hoti hain to err is human. And because we commit mistakes, and we to cover that, we cheat. When we all have cheating propensities, we tell lies. And so these are the four defects that every one of us, they are born with, and we cannot escape it. And because we commit mistakes, and we have cheating propensity, we somehow or the other we tend to cheat others, and if not others, we tend to cheat ourselves. So that is the last snare that we fall into, that we tend to cheat ourselves. But and through this imperfections, and through these defects, these four material defects which everybody is born into, we cannot say that our experiments and everything will be completely perfect. So and that is why we also fail. And also because the Supreme is spiritual, and we our material senses, they are our senses, or our jitne bhi hamare experimentation ke liye jitne bhi instruments ho sakte hain, they are all material. So anything material cannot see anything spiritual. That is also
We cannot find God by experimenting in any laboratory or something, but we can see it. We can see it through logic. We can see God, and we should accept it. What the Shastra is saying, that we should hear and we should accept it, and we should hear those members who are dhir. We should hear from those who are dhir, who are sadhu, and jinki senses agitated nahi hai. So aise humko through Shastra Chakshu humko जो प्रमाण है वो मिल सकता है शास्त्र के थ्रू. सो आगे बढ़ते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर किसी को कोई डाउट लगे तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड्स. एंड सेकंड थिंग आल्सो ये भी है कि सपोज अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है दैट अगर हम किसी से पूछना है तो हम किससे पूछेंगे? किस शॉपकीपर से जाके पूछेंगे कि भगवान कौन है? तो मान लीजिए आपको आपको गोल्ड चाहिए, तो अब आप गोल्ड किसी किराने की दुकान पे जाके तो मांगेंगे नहीं कि भैया जी एक 10 ग्राम का गोल्ड दे दीजिए. उनको लगेगा कि ये तो गोल्ड मांगने आए, इनको पता ही नहीं कि गोल्ड कैसा दिखता है और क्या लगता है. सो वो हमको दे विल गिव अस कॉपर और दे विल गिव अस ब्रॉन्ज इंस्टेड ऑफ गोल्ड, एंड दे विल से कि ये ले लीजिए गोल्ड और आप जाइए, और हम खुशी खुशी ले भी लेंगे. जो हमको पता ही नहीं है कि अगर गोल्ड अगर हमको लेना है तो किसके पास जाएं, और अगर जाएं भी तो उसके लिए हमारे पास थोड़ी सी बुद्धिमता, वी हैव टू हैव सम इंटेलिजेंस टू डिस्क्रिमिनेट टू फाइंड आउट हुम टू हियर. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है दैट कि हम वो जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर वो जो तर्क करने की शक्ति है वो हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, और हम कैसे उसमें पता लगाएं कि हमें सुनना किससे चाहिए. क्योंकि क्योंकि अगर गोल्ड लेना है वो तो किसी भी किराने दुकान पे जाके हम मांग सकते हैं, और अगर हमको नहीं पता कि गोल्ड कैसे दिखता है तो हम बेवकूफ बन जाएंगे. बट हमको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड या डायमंड के लेने के लिए हमको एक गोल्ड की शॉप पे ही जाना पड़ेगा, और वहां पे हमको उसकी अच्छी से समझ होनी चाहिए कि गोल्ड ऐसा दिखता है. और इस एनालॉजी से हमको ये देखना चाहिए कि हमको इस नॉलेज के बारे में, इस स्पिरिचुअल ज्ञान के बारे में किसके पास जाना चाहिए? उनके पास जो एक डिसाइपलिक सक्सेशन में बोनाफाइड वे से आ रहे हैं और जो कि जो धीर है. सो आगे बढ़ते हैं. सो इफ यू वांट रियल नॉलेज यू शुड टेक नॉलेज फ्रॉम द लिटरेचर नोन एज द वेदास. द वर्ड वेदा वेद मीन्स नॉलेज. Part of the Vedas are the 108 Upanishads, out of which 11 are very important. And Gita bhi is also an Upanishad. It's the highest of all. It is also called Gita Upanishad. Of those 11, the Isha Upanishad stands first. In the word Upanishad, Up means near. So the knowledge in the Isha Upanishad will take you nearer to Krishna. In learned society, the Vedas are accepted as Shruti or primary evidence. देखिए क्या लिख रहे हैं. In learned society, the Vedas are accepted as Shruti or primary evidence. So, अगर हम अपनी history को पढ़ के देखेंगे तो हम जानेंगे कि ऐसे ही होता था पहले भी, that we used to have the Vedas and everybody used to have so much knowledge, सबको इतना ज्ञान होता था that they all knew about the Vedas and unke andar jo gyan hai, but because of so much colonialism on India and dheere dheere karke this ye jo gyan hai ye vanish hota gaya hamari society se, and so now again with the help of Srila Prabhupada and with the help of this Hare Krishna movement, we are so very fortunate again that we have got access to these literature. And such an important literature, the two सबसे important literature हैं जो भगवत गीता as it is and श्रीमद् भागवतम जिसको हम भगवत पुराण कहते हैं, and all other these literature, Ishopanishad, Nectar of Instruction, Nectar of Devotion, all these literatures, they are all in a very simple understand language, or and so we should take advantage of this situation and we should try to see the truth by reading these books. So this ये हमको ऐसे करना चाहिए. आगे पढ़ते हैं. The Vedas are not knowledge established by the research work of contaminated conditioned souls.
Such people have imperfect senses, so they cannot see things as they are. They simply theorize. It may be like this, it may be like that. So, देखिए अभी भी यही होता है that first there is a theory कि there are so many theories which are very very bogus and vague. Like take for example the theory of evolution or the theory of life starting on earth. There are so many theories that oh it started like this, it started like that. But किसी के पास भी experimental proof नहीं है. Even to till this date, science don't have an answer that science cannot explain that life either it comes from matter or not. Science think that life comes from matter. They think that life started in some extreme circumstances, जो कि पैदा हुए कुछ अरबों करोड़ों साल पहले और बस वही एक circumstances थे जिसकी वजह से life start हुई. उसके बाद ऐसा circumstance कभी ना आया ना कभी आएगा. So, ऐसा कैसे हो सकता है? If there is a theory, then you have to prove it practically, and that is what science is, right? Because science means you have to practically prove it. Until that, it is only a theory, and theory can change. आज theory कुछ और है, कल theory कुछ और होगी. There are all theories. There is no fact. But the fact जो हमको मिलता है, that we get from the Vedic scriptures, and like जैसे कि हमने बताया कि condition soul के 4 defects होते हैं. So कोई भी condition soul होगी, whoever wants to मतलब अपने मन से अगर करेंगे कि हाँ मुझे लगता है भगवान ऐसे होंगे, मुझे लगता है भगवान वैसे होंगे, मुझे लगता है भगवान ये खाते होंगे या फिर ये पहनते होंगे, फिर मुझे लगता है कि भगवान है ही नहीं. So अगर कोई भी अपने मन से करेगा and that person is conditioned, तो वो सही नॉलेज नहीं होगी, ऑथेंटिक नहीं होगी. जबकि होते हैं, those are free from 4 defects. So there are no 4 मतलब Vedas don't have any 4 defects. So all the 4 defects are with conditioned soul only. Correct. And because they are so देखिए जो these Vedas all they come through disciplic succession through parampara and through parampara means the parampara or jo line hai disciplic succession ki guru parampara ki wo that goes all the way to krishna wo bhagwan krishna se shuru hoti hai and then there are sampradayas kuch bona fide sampradayas hain and only within that sampradayas there is a bona fide knowledge which is getting passed and these vedas also because they are directly given by krishna or by god through to these paramparas and that is why they are without these defects. So agar hame kisi ke bare mein janna hai to us bande ke ilawa koi utne acche se nahi bata sakta. So aise hi hame bhagwan ke bare mein bhagwat gita mein bhagwan swayam bata rahe hain aur unke parshad bata rahe hain vedas jo unke nitya parshad hain jo hamesha unke sath hote hain. So if we hear from those, that is the authentic knowledge. So, वो ऐसी नॉलेज है जो हमेशा सत्य है. आगे बढ़ते हैं. ये भी आगे जाके आएगा भी that how what is the bona fide spiritual master, who is a bona fide spiritual master, and गुरु परंपरा क्या है और हमको इसका इसको कैसे समझ सकते हैं और ये कहाँ पे बताया गया है. आगे बढ़ते हैं. That is not knowledge. Knowledge is any doubt or mistake. Conditioned souls commit mistakes, become illusioned and cheat. How do they cheat? When one who does not understand the Bhagavad Gita writes a commentary on it, he is cheating the innocent public. Someone has a title as a scholar, so he takes advantage of the popularity of the Bhagavad Gita and writes a commentary. Such so-called scholars claim that anyone can give his own opinion, but in the Bhagavad Gita, Krishna says that only his devotee can understand the Gita. So these so-called scholars are cheating. The conclusion is that if you want a genuine spiritual knowledge, you have to approach a bona fide spiritual master who has realized the absolute truth. So यहाँ पे देखिए बहुत सारे gems अभी जो छुपे हुए हैं, तो इसको मिके करके खोलते हैं. So हमने अभी पहले पढ़ा that there is because conditioned souls are having these defects. And so they cannot write or they cannot write their own commentary on Bhagavad Gita because then it means that then that knowledge is not absolute. And if it is not as it is, वो अगर यथारूप में नहीं बताई गई है, तब तक there is no authentication to it. And
because we have so many defects within us, and that is why it is important for us to follow. हमको उनको follow करना चाहिए जो हमें बिना किसी self motivated interpretation से या फिर बिना किसी स्वयं से बनाई हुई जो बातें हैं उनसे परे होकर जो हमको ज्ञान जैसे उन्होंने दिया अगर वैसा कोई हमको दे तो हमको उनको फॉलो करना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैट सच सो कॉल्ड स्कॉलर्स क्लेम दैट एनीवन कैन गिव हिज ओन ओपिनियन. सो बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे ओपिनियन की किसी की क्या वैल्यू हो सकती है. हमारा ओपिनियन तो आज कुछ और है कल कुछ और हो सकता है. सो हाउ डज अवर ओपिनियन मैटर्स, बट whose opinion matters? The opinion of the acharyas, the opinion of those members who are directly coming in a and because it is opinion of Krishna and their opinion, Krishna's opinion is not different, and so that is why they are the true spiritual masters. That so the conclusion, dekhiye niche kya likha hai. The conclusion is that if you want a genuine spiritual knowledge, you have to approach a bona fide spiritual master who has realized the absolute truth. Why? Because Krishna says in Bhagavad Gita that only a devotee can understand the Gita. 18.55, उसके बाद 13.19 में भी ये आता है. So मैं आपको अभी बताता हूँ. So let me, we can read those shlokas. So this is 13.19. Iti kshetram tatha jnanam geyam choktam samasata madbhaktaye dad vijnana madbhavyayopapadyate. Translation. Thus the field of activity, the body, knowledge and the knowable have been summarized, summarily described by me. Only my devotee can understand this thoroughly and thus attain to my nature. So, ये भगवत गीता के 13वें अध्याय में आता है. सो 13th चैप्टर इज द वन जो कि जो ज्ञान योग है उसकी उसका शुरुआत में सबसे पहला चैप्टर आता है एंड आफ्टर भक्ति योग. एंड यहाँ पे जो भगवान है वो अर्जुन को एनालिटिकल स्टडी से बता रहे हैं दैट हु इज द नोर ऑफ द बॉडी एंड हु इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी द बॉडी एंड देन देयर इज नोर ऑफ द बॉडी. And there are other more tathya jo bhagwan batate hain. But so yahan pe dekhiye kya likha hai, mam mad bhakta etad vigyan. Mad bhakta etad vigyan, that only a devotee can understand this thoroughly and thus attain my nature. Aur dekhiye bhagavad gita ke 18ve adhyay ke 55th shlok mein bhi yahi batate hain. Ye humne pehle bhi padha hai. It's a wonderful and very powerful फेमस श्लोक एज वेल. भक्त माम अभिजानन्ति यावन यस चश्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. दैट वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस. दैट मीन्स ओनली अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सन. And when one is in full consciousness of me in such devotion, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. So, this is what humne abhi jo padha, wo bhi yahi tha, that that through devotion only we can understand God. So, let's get back to our. Okay, so ek aur hum padhte hain shlok Bhagavad Gita se. So this is chapter 4 and verse number 2. अब इसमें जो verse number 1 है उसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को that कि ये जो ज्ञान है ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं पहली बार दे रहा हूँ और ये विश्व में सबसे पहली बार आप ही को दिया गया. ये सेम ज्ञान भगवद गीता का सेम ज्ञान मैंने सूर्य देव विवश्वान को भी दिया था मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले. तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. श्री भगवान उवाच
इमं विश विवश्यते योगं प्रोक्तावान् अहम् अव्ययम् विवश्वान् मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाके अब्रवेत। सो इक्ष्वाकु हमको पता है और इसी प्रकार से उनके जो विवस्वान थे, देखिए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्णा सेड आई इंस्ट्रक्टेड दिस इम्पेरिशेबल साइंस ऑफ योगा टू द सन गॉड विवस्वान एंड विवस्वान इंस्ट्रक्टेड इट टू मनु द फादर ऑफ मैनकाइंड। जो हम देखते हैं कि जो मनु है, जो मनवंतर के बेसिस पे जिनकी वजह से द होल प्रोजेनी स्टार्ट्स, द फादर ऑफ मैनकाइंड, एंड मनु इन टर्न इंस्ट्रक्टेड इट टू इक्ष्वाकु who is the also sun god, and उसके बाद भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मैंने परंपरा में दिया था और इसी परंपरा में प्राप्त किया जाना चाहिए इस ज्ञान को। That ये देखिए क्या लिखा है भगवद गीता 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकलेनेह महता योग नष्ठा परंतपा। Translation: This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. देखिए क्या लिखा है एक तो, this supreme science is received through the chain of disciplic succession. It is an unbroken chain of disciplic succession, guru parampara isko hum bolte hain, to wo exist karni chahiye for any bona fide sampradaya, and the saintly kings understood it in that way. So isme guru parampara ka ye matlab nahi hai ki matlab father se son ya fir son se aage bachchon ko. Guru parampara means a guru which have some disciple, और जो उनके शिष्य हो जिनसे गुरु से शिष्य को पूरा ज्ञान जाए, एंड देन अगेन शिष्य बिकम्स अ गुरु, एंड देन अगेन उनके आगे जो शिष्य होते हैं उनको वो पूरा ज्ञान देते हैं। सो एज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा, सबसे पहले कृष्णा ने भगवत गीता सूर्यदेव को बताई, हिज नेम इज विवश्वान। तो विवश्वान से वो परंपरा स्टार्ट हुई, बट ओवर द टाइम इट गॉट ब्रोकन। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को दोबारा से भगवत गीता का पूरा उपदेश दिया। और वो क्यों? टू धर्म संस्थापनार्थाय, टू रीएस्टैब्लिश बैक द धर्म, एंड बिकॉज कृष्णा सेज इन भगवत गीता, यही 4.8 में आता है दैट संभवानि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, कि हर युग में युगों युगों बाद वो आते हैं हर युग में और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई। सो दिस इज आल्सो व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ इन ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र and Mahabharat, that he re-established this lost science of Bhagavad Gita. And also because, and Arjun, see Arjun was, Arjun is a pure devotee, but he is put into that illusion by the yog maya of Krishna, so that ki wo jo Bhagavad Gita hai, wo Bhagwan Arjun ko de sake, aur Arjun ke zariye hum sabko mil sake. So this is also the secret of the recitation of Bhagavad Gita on the battlefield. Yes, Arjun was he had questions and he was but he was put into illusion by Krishna only, so that he can ask wo questions wo pooch sake, aur un questions ke zariye hum jo ki general public hai, they can be enlightened. So that is what they are doing on the battlefield. And also जो हमने अभी बात करी दैट दिस डिसाइप्टिक सक्सेशन, वो भी हम अभी देख सकते हैं। सो भगवद गीता में ही दी हुई है, सो वी कैन ऑल्सो सी इट। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सी, सो दिस इज द डिसाइप्टिक सक्सेशन, ये हम देख सकते हैं। The receptive succession, evam parampara praptam imam rajasyo vidu, the Bhagavad Gita as it is received it through this receptive succession. Krishna, Brahma, Narad, Vyas, Madhav,
and Padmanab, Narhari, Madhav, and then so many, and then we have Krishnadas Kaviraj, Lord Chaitanya, Ishwarpuri, Madhvendrapuri, Lord Chaitanya. It is again re-established here, and then Rupa Goswami and Sarup Damodar, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Jeev Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, and Narottam Das Thakur, and then Baldev Vidya Bhushan and Jagannath Das Babaji, and then Bhakti Vinod Thakur, and then Gaurkishore Das Babaji Maharaj, and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and eventually His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. So this is the proof of the whole disciple succession, and also how this disciple succession is. So there are basically four sampradayas, and these sampradayas are four. One is Brahma sampradaya, and one other is Rudra sampradaya. Third is Sri sampradaya, and fourth is Kumar sampradaya. So Brahma sampradaya, wo sampradaya jo Brahma ji se shuru hota hai. And Rudra Sampradaya, वो जो शिवजी से शुरू होता है, and Shri Sampradaya, जो लक्ष्मी जी से शुरू होता है, and Kumar Sampradaya, वो जो four Kumara से शुरू होता है. And these four Sampradayas, they are bona fide or recognized according to the Vedas. जैसे कि हम किसी स्कूल में अगर हमको अपने बच्चे की एडमिशन करानी होती है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं that whether that school is associated to any board or not. किसी बोर्ड से फिलिएशन है कि नहीं है. अगर बोर्ड से फिलिएशन नहीं है, then we don't even look for that school, because we know that even if that school is given the right education, सबसे पहला हम उसे authentication नहीं मान सकते, because हमको नहीं पता कि जो education है वो सही दे रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो teachers employ किए हैं वो सही है कि नहीं, कुछ standard maintain किया है कि नहीं. And the fourth is, because कोई बोर्ड से नहीं जुड़े तो कोई डिग्री नहीं मिलेगी, कोई एफिलिएशन नहीं होगा, एंड नोबडी विल एग्री दैट यस आई एम दिस मच पास्ट, आई एम 10th और 12th और व्हाटएवर इट इज, और मैंने किसी कॉलेज से अगर डिग्री ली है तो इज इट डीम्ड और नॉट, एंड वेदर इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और नॉट, तो कोई नहीं मानेगा. सो इवन फॉर दिस नॉलेज, इवन फॉर दैट थिंग, वी नीड सम रिकॉग्निशन, वी नीड सम एफिलिएशन टू अ authenticated board. So why not for this knowledge, which is so much supreme, Raj Vidya Raj Goyam, it is the king of all knowledge. And how can we simply say that we can get this knowledge simply by without any authentic source? So this is the point that we have to see, we have to make, that we have to see that whom we are following and whom we are hearing and whom we are reading, and whether it is authentic or not. So, and we have to choose very, very carefully, because it is definitely the like root of spiritual knowledge. Ki hume spiritual knowledge kahan se mil rahi hai. So the source needs to be authentic. So aise hi char sampraday hai jo authentic hai. One is Brahm sampraday, Rudra sampraday, Lakshmi ji se jo aa raha hai, Shri sampraday, and then Kumar sampraday. And so ours fall into Brahma Madhav Gaudiya sampraday. And because ours is a Brahma Madhav, like started from Brahma ji and then Madhvendra Puri, And then Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya was he was born in the Gaurdesh, Bengal, and that is why it is called Brahma Madhav Gaudiya Sampradaya, and that is the authenticity of our sampradaya. So that is what we have to see, and I asked one question to one Maharaj, that Maharaj, how do we know that this is authentic, that how do I know that I am following authentic? I was into my early ages then, that time, and so I had that doubt. Meko bhi doubt tha that. So then Maharaj gave a very nice answer that see, agar koi jo maa hoti hai, and there is a son and there is a mother, and who knows the mother better? The son, right? Because the son has a loving relationship, and the son knows mother very well, because he is so intimately associated with the mother, and they have a very loving relationship, and they have intimate connection with them. And so how do I know that, who can tell us about God?
only those devotees who have intimate relationship means those who are devotees of the God, devotees of the Lord. Only वो हमको बता सकते हैं that who is God, and because उन्होंने इस ज्ञान को realize किया हुआ, they have realized it themselves. So that is what we have to approach them that and he told that Maso Maharaj told me that and Srila Prabhupada, because we can see the life history of Srila Prabhupada, that how he after one time after another with so much struggle and he achieved so many milestones, and in such a short span in of 10 years he spread the whole Krishna consciousness movement throughout the world, and he in such short span वो विदेश गए और उन्होंने जाके विदेश में भगवद गीता का प्रचार किया और ये सनातन धर्म का प्रचार किया और 108 हरे कृष्णा टेम्पल विदेश में खोले और उसके बाद इंडिया में भी, एंड देन नाउ देर आर 650 प्लस टेम्पल्स और सेंटर्स और फार्म कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. And only because of the potency and the grace of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is a pure devotee of Krishna. And because all this literature is coming via Him, and He is the transparent via media, and through which we are receiving this transcendental literature as it is. So that is why it is very important for us to understand the as it is feature of this literature. And this is also confirmed in Bhagavad Gita that so there is a verse in Bhagavad Gita chapter 4 number 34 जिसमें ये बताया जाता है कि हम Bhagavad Gita को कैसे approach करें, how do I understand Bhagavad Gita, कैसे हमको पढ़नी चाहिए. So the verse goes like this, let me share the screen. So this is the verse. Tad vidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadek shanti te jnanam jnani nas tattva darshina. So translation: just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. So the self-realized souls, Atma Sakshatkar ko jinhone Atma Sakshatkar ko pa rakha hai, wo vyakti wo aapko is gyan ke bare mein bata sakte hain, because उन्होंने स्वयं इस ज्ञान को रियलाइज किया हुआ है, बिकॉज दे हैव सीन दैट, दे हैव सीन इट देमसेल्व्स. एंड व्हाट इज द व्हाट आर द थ्री वेज, ये तीन वेज को हमको बांध लेना चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए हमेशा, दैट ये तीन तरीके हैं जिससे हम इस दिव्य ज्ञान को पा सकते हैं और अपने जो कदम है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ा सकते हैं. अगर हम इन तीन का बैलेंस बना के चलेंगे और ये तीनों को करके रखेंगे, सो देन मींस वी आर अंडर द राइट ऑन द राइट पाथ. सो व्हाट इज द व्हाट आर द थ्री वेज, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन एंड सेवया. सो प्रणिपातेन मतलब प्रणिपात मतलब वी सबमिसिवली सरेंडर ऑन टू समबडी, लाइक सो वी डोंट आर्ग्यू और नॉट इन अ सेंस दैट वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज अगर हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे देन हमारे डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, बट वी डोंट हैव टू आस्क देम इन अ चैलेंजिंग मैनर. सो वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, इसलिए क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं कि अगले मतलब उनको गलत प्रूव करने के वे से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं. वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट आंसर्स एंड आवर डाउट्स गेट क्लियर. So there is a subtle difference between these two. बहुत मामूली सा डिफरेंस है दोनों चीजों में. एक कि हम हमारी मनोभावना ही ऐसी हो कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता और अगले बंदे को गलत प्रूफ करना है. एंड दूसरा ये होता है कि हाँ मुझे ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है कि नहीं, एंड देन आई एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट. Correct. Like to accept it or not is upon us, but we first have to see that kya hum submissively pooch rahe hain,
And then the second is pariprashnena. Pranipat means you have to submissively ask questions. Pariprashnena, that we have to ask the questions. Inquiry. We have to inquire from them. And the third is seva. And we have to render service unto them. Humko kisi na kisi tarike se, kisi bhi way se, we have to do some kind of service. And if we try to do this, these three things, then we will surely progress very well onto the path of Krishna consciousness. And this is what Bhagavad Gita also tells. And this is like the secret of how we approach this knowledge and how we progress and we take our baby steps in Krishna consciousness. Because spiritual knowledge, jo bhi hoti hai, that we cannot gain by reading books. Hum sirf books padke usko nahi pa sakte hain. Jab tak ki hume jo self-realized soul hoti hai, unki kripa nahi milti. So unki kripa paane ke liye hume unki service karni hoti hai. So we have to do service. Agar hum service karenge, then we can get some mercy. जिससे उनकी कृपा के थ्रू हमें थोड़ा रियलाइजेशन स्टार्ट होगा करेक्ट सो दिस इज द वे एंड सो नाउ वी विल क्विकली समराइज सो सो वी विल क्विकली समराइज द our session and then in the next session we'll do our questions and answers. So humne padha ki hamare paas kul do prakar ke tarike hain gyan ko paane ke. Ek to hai shruti, that we hear the authoritative sources. Other is the pratyaksh, ki hum swayam apne upar dependent rahe aur us gyan ko pa sakein aur through material process or through experimentation usko pa sakein. And then we read that because our senses are imperfect, we have four defects, it is impossible for us to understand God. And we have to understand the Supreme Personality of Godhead or Krishna only through the Shruti process or by understanding about the Shastras and what are the Vedas are given through a person or through the devotees who are coming in the recited succession, jo parampara mein aate hain. Dekhiye yahan pe aapke left mein picture bani hui hai. Then on the top there is Radha Krishna, and then there is Brahma Ji and Narad Ji. And then so many till Srila Prabhupada, and then here it is depicting us. That is what we have to do. And we have to take this knowledge from those who are self-realized and those who are dhir. Dhir means those whose senses are not agitated by material influence. And we have to understand that whom we approach, that फर्स्ट हमको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए उसी के लिए और वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट इन अ सेंस दैट कि हमको ये पता रहे दैट कि हमको किससे पूछना चाहिए. हम किसी दुकानदार के पास जाके नहीं पूछ सकते कि आप हमको सोना चांदी दे दीजिए. सो वी हैव टू हैव दैट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और सम इंटेलिजेंस. एंड And the conclusion is that if we want a genuine spiritual knowledge, then we have to approach a bona fide spiritual master who has realized the absolute truth. So, is tarah se, so aaj hum apne session ko yahin pe viram denge. And so, agar kisi ka kuch prashn hai, so ab humse pooch sakte hain. So then we will be very much happy. We'll try to answer it. माधी सिंह जैसे बताया दैट विवस्वान के ही लीनिएज में आई थिंक उनके ही बेटे थे या फिर ग्रैंडसन थे इक्ष्वाकु. ही इज द प्रेजेंट सन गॉड. अभी जो सन गॉड है ही इज इक्ष्वाकु. जो अभी मनमंत्र में जो भी सूर्य देव है हिज नेम इज इक्ष्वाकु. सो सूर्य देव इज द पोजीशन. उस पोजीशन में अलग अलग आते रहते हैं. सो राइट नाउ इक्ष्वाकु इज द सूर्य देव. सो वी कैन टेक दिस एज मैनेजरियल पोजीशंस. सो दीज डेमिगॉड्स दे आर लाइक मैनेजरियल पोजीशंस लाइक इंद्र और ब्रह्मा जी. And they are like managerial positions. They are the demigods. They are taking care of the material nature. जैसे कि अगर एक कंपनी में एक सीईओ होता है
एंड उनके बाद उनके और एक एमडी होते हैं, एक सीईओ होते हैं, और उसके बाद एक फाइनेंस का सीएफओ होता है, एक हेड कर रहा है, एंड देयर इज अ पर्सन हु इज हेडिंग द एचआर. सो दीज पोस्ट, दीज आर लाइक पोस्ट, एंड ऑन दीज पोस्ट देयर आर डिफरेंट पर्संस. दोज हु आर क्वालिफाइड दे विल गेट दीज पोस्ट. जैसे ब्रह्मा जी होते हैं, सो जब भी प्रलय आती है उसके बाद जितनी सोल्स में से सबसे सबसे प्योरेस्ट और सबसे हाईएस्ट सोल होती है, दैट सोल टेक द पोजीशन ऑफ ब्रह्मा जी. यस, सो दिस इज हाउ द डेमिगॉड्स आर. नेक्स्ट टाइम जो ब्रह्मा जी बनते हैं वो वाली सोल बनते हैं. सो राधे प्रभु जी इज सेइंग, प्रभु जी कैन यू रिपीट द फोर मटेरियल इम्परफेक्शन ऑफ कंडीशन सोल. यस प्रभु जी, सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं IICC. तो जो दो बार आई और दो बार सी, तो जो पहला आई है वो है इम्परफेक्ट सेंसेस, तो सेकंड इज इल्यूजन, एंड थर्ड इज कमिटिंग मिस्टेक्स, एंड फोर्थ इज चीटिंग प्रोपेंसिटी. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. So first is imperfect senses. तो हमारे senses perfect नहीं होंगी तो हमें illusion होगा. Illusion होगा तो then we have mistake tendency to make mistake. हम गलतियाँ करेंगे, और अगर हम गलतियाँ करेंगे तो हम उनको छुपाने के लिए झूठ भी बोलेंगे. So these are the four defects that everybody of us are born with and they have, and imperfect senses. Very easy to understand. हमने जैसे explain भी किया that we have imperfect senses like this. Now I have imperfect eyes and I can't see. And but as soon as I put the, I need an external help of the spectacles to see it properly because I can't see barely 2 meters after 2 meters. भी हमारे ears जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे मच्छर से भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनका ना आवाज सुन सकते हैं ना हमारी आईज उन्हें देख सकती हैं. And after some time we also require help of hearing aid and all like that, and we can see that with age it keeps on changing, and that is also how imperfect we are, and then we tend to fall into illusion, and then we commit mistakes, and then we also have cheating propensity. We all have cheating propensity. Nobody can say that I haven't lied through even once in my life, and nobody can say, and nobody can deny that we don't have these four defects. जैसे कि अगर illusion होगा, हमें लगेगा कि नहीं ये चीज ऐसे है और actual में वो चीज किसी और तरह है, तो हम उस चीज को सही proof करने के लिए ही हम एफर्ट डालेंगे, तो उसमें हम मिस्टेक्स भी करेंगे, और जब हम मिस्टेक करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि वो चीज सही है, तो हम उसको अगर प्रूफ करने के लिए करते हैं तो दैट इज आल्सो चीटिंग प्रोपेंसी. सो अगर हम मिस्टेक्स करेंगे उनको कवर करने के लिए वी विल चीट. सो दीज आर द फोर डिफेक्ट्स दैट अ ह्यूमन और वी मे से दैट मटेरियल लाइफ हैज कंडीशन सोल. These four kinds of things. Correct. So, I hope this is clear. So, do we have any more questions? So, today we also have Vandana Mataji joining us. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Welcome. How are you, Mataji and Prabhuji? We are good. Thank you so much for joining. So, so do we have any more questions, devotees? Okay. So, I believe there are no more questions. So, we'll end our session to here only. नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन. हरे कृष्ण हरे कृष्ण.